बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। हमारा आज जो है टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस इज द टेक्निक विच यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अल्टरनेटिव देन किडनी। वो टेक्निक जिसमें फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगी अदर देन किडनी बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, या द कंडीशन इन विच पेशेंट सफर फ्रॉम किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, देन द अल्टरनेटिवली फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस by using natural membrane peritoneum. This type of dialysis is known as peritoneal dialysis. What peritoneal represent to the natural membrane, which is peritoneum, and the word dialysis typically means that separation, but the here separation represent to the filtration of blood. If any patient suffer from renal or kidney failure, then the kidney unable to filter the blood, then by using alternative pathway of peritoneal wall for the filtration of blood is known as peritoneal dialysis, which also known as continuous ambulatory peritoneal dialysis. Continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD. Continuous ambulatory peritoneal dialysis में अब हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन विच लाइन्स द एब्डोमिनल कैविटी, विच लाइन्स द एब्डोमिनल कैविटी is used as dialyzing partial permeable membrane. अब हमारे पास जो है ये जो peritoneal membrane है, ये basically abdominal cavity की lining यानी abdominal cavity की wall बना रही है। इस abdominal cavity में हमारे पास जो सेक है, सिलोमिक सेक, उसमें दो चीजें हैं। एक है वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और दूसरी है ऑर्गन्स इन एब्डोमिनल कैविटी। अब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहां पे एब्डोमिनल कैविटी को ड्रा करें, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में जो एब्डोमिनल कैविटी की वॉल है, तो इस वॉल में डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। यहां पे ये डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है यानी कि लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी कवर्ड विद द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। सिमिलरली अगर यहां पे कोई ऑर्गन्स हैं, तो उन ऑर्गन्स में भी जो उनकी एपिथेलियम है, इट कवर्ड विद द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब हमारे पास यहां पे ये जो एब्डोमेन है, ये एब्डोमिनल लाइनिंग यानी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कंटेन दी डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, एंड दीज कैपिलरी वॉल्स या दीज कैपिलरीज यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय यूजिंग डायलासेट। अभी हम लोग उस पर बात करते हैं। अब होगा क्या कि इस पेरिटोनियल डायलिसिस की रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डायलासेट। डायलासेट इज द फ्लूइड विच कंटेन यूजफुल मटीरियल like glucose, like dextrose, like some sort of minerals. तो dialysate वो fluid है जिसको
यूज किया जाएगा टू डिवेलप द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस। ये डायला सेट के अंदर हमारे पास यूजफुल कंटेंट्स है जिसमें ग्लूकोज है, सुक्रोज है और डेक्स्ट्रोज है। तो ये जो जब हमारे पास डायला सेट पास किया जाएगा थ्रू स्मॉल कैथेटर इनटू द पेरिटोनियम यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, तो ये डायला सेट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस के लिए यूज किया जाएगा, अभी हम इस पे बात करते हैं। दूसरी चीज है कैथेटर। द वर्ड कैथेटर मींस ये जो आपके पास ट्यूब्स हैं। वैसे तो टिपिकली हमारे पास टू कैथेटर्स हैं, एक फॉर एंट्रेंस है और दूसरा फॉर ड्रेनेज है, लेकिन इन दोनों के जंक्शन को सिंगल एब्डोमिनल सर्जरी के थ्रू इंटर किया जाएगा इनटू एब्डोमिनल कैविटी यानी इनटू पेरिटोनियम। अब हमारे पास होगा क्या, इसका प्रोसीजर क्या होगा कि जब हम डायला सेट को इंसर्ट किया जाएगा इनटू पेरिटोनियम यानी पेरिटोनियल वॉल, तो ये डायला सेट आपके पास पेरिटोनियल कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी में जब फिल्ड होगा यहां पे, इट मींस दैट यहां पे। तो अब इस डायला सेट की कंपोजिशन में यूजफुल कंटेंट्स आए हैं, जबकि ड्यू टू रीनल फेलियर, ड्यू टू किडनी फेलियर, ब्लड के अंदर हार्मफुल मटेरियल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, लाइक हमारे पास एमोनिया या डिफरेंट एक्सेसिव मिनरल्स का कंटेंट्स हाई है। अब होगा क्या कि डायला सेट जो है वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस जनरेट करेगा बिटवीन द ब्लड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी लाइनिंग एंड द ब्लड ऑफ ऑर्गन्स विच इज प्रेजेंट इन द कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द ऑर्गन्स। अब यहां पे क्या होगा कि इस डायला सेट में हमारे पास ग्लूकोज कंसेंट्रेशन हाई है, वाटर कंसेंट्रेशन हाई है और डेक्स्ट्रोज कंसेंट्रेशन हाई है, लाइक सुक्रोज कंसेंट्रेशन हाई है, मींस दैट यूजफुल कंसेंट्रेशन हाई है। लेकिन जो यहां पे ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में हमारे पास जो है रीनल फेलियर की वजह से ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तो यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, केरेटिन एंड अदर हार्मफुल मटेरियल हाई है। तो होगा क्या कि ब्लड से जो हार्मफुल मटेरियल जो है जिनकी कंसेंट्रेशन हाई है वो डिफ्यूज्ड करेंगे बिकॉज ऑफ सेमी पर पार्शियल या परमेबिलिटी ऑफ पेरिटोनियम इनटू डायला सेट, और डायला सेट से हमारे पास जो है ये यूजफुल मटेरियल मूव करेंगे इनटू ब्लड। यानी यहां पे आप देखें तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का स्टेज हो रहा है कि ब्लड जो है वो लीव कर रहा है हार्मफुल मटेरियल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया एंड क्रिएटिनिन, और डायला सेट से डिफ्यूजन हो रही है यूजफुल मटेरियल लाइक ग्लूकोज, वाटर, डेक्स्ट्रिन, ये हमारे पास डेक्स्ट्रोज और सुक्रोज एक्सेट्रा लाइक मिनरल्स। तो अब हमारे पास हो क्या रहा है, यहां पे पेरिटोनियल कैविटी में यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में वेस्ट मटेरियल इंक्रीज होता जाएगा और यूजफुल मटेरियल ब्लड में सप्लाई होता जाएगा। जो जो वेस्ट मटेरियल बढ़ता जाएगा तो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप जो है वो कैथेटर जो डायला सेट को मूव करा रहा है, जो जिसके थ्रू डायला सेट मूव हुआ फिल्ड हुआ इनटू पेरिटोनियल कैविटी, उसको बंद करेंगे और जो ड्रेनेज बैग वाला जो कैथेटर है उसके वाल को आप ओपन करेंगे। तो अब जो यहां पे पेरिटोनियम के अंदर यानी कि एब्डोमिनल मेम्ब्रेन के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जम हो चुका था यूरिया, यूरिक एसिड और केरेटिनिन और एमोनिया वाला, वो आप ड्रेन आउट करेंगे इनटू ड्रेनेज पाइप या इनटू ड्रेनेज बे।
तो अब हुआ क्या कि ब्लड में यूजफुल मटेरियल इंटर हो गया और हार्मफुल मटेरियल लीव कर गया। इस मैकेनिज्म को कहा जाएगा पेरिटोनियल डायलिसिस या कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये जो डायलिसिस है इसके दो स्टेजेस हैं, एक तो हमारे पास डोवल और दूसरा एक्सचेंज स्टेज। डोवल स्टेज मींस दैट व्हेन डायलासेट रिमेन प्लेस्ड इनसाइड पेरिटोनियम मींस एब्डोमिनल कैविटी एंड ड्यूरिंग डोवल स्टेज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन डायलासेट एंड ब्लड। ब्लड से हार्मफुल मटेरियल लीव एंड यूजफुल मटेरियल इंटर इनटू ब्लड वेसल्स। जबकि जब ये डायलासेट आफ्टर सर्टन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो फिर वो स्टेज जिसमें आप डायलासेट के वाल को क्लोज करके और ड्रेनेज वाल को ओपन करेंगे, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से जो वेस्ट मटेरियल है उसे रिमूव करेंगे, उस स्टेज को कहा जाएगा एक्सचेंज। तो या सिंपल आप यूं कह सकते हैं कि फ्रेश डायलासेट जब आप ओल्ड डायलासेट को रिमूव करके न्यू डायलासेट को जब इंसर्ट करेंगे तो उस स्टेज को क्या कहा जाएगा, एक्सचेंज। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए ब्लड फिल्ट्रेशन की जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि इसके लिए आपको स्पेसिफिकली जो डायलिसिस मशीन यानी होमियोडायलिसिस में जो डायलाइजर मशीन है उसका वेट नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना नहीं पड़ता, इवन आप घर में इसको जो है वो डॉक्टर एडवाइस के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें पेशेंट जो है वो मोटाइल होता है, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी यानी होमियोडायलाइजर के साथ स्टिक यानी कि उसके साथ जो है वो अटैच नहीं होता, मूव कर सकता है। फिर उसके बाद इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये कि ये आपके पास जो है वो किसी भी किस्म का स्पेसिफिक स्टिकनेस नहीं है, बल्कि फ्रीली मूवेबल टाइप ऑफ जो है ये टेक्निक है। इसमें जो सबसे बड़े इश्यूज हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस में प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो पेरिटोनियल डायलिसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह कि इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बड़ा लो होता है। दूसरी बात यह है कि ये जो डायलासेट का एक्सचेंज होता है ये 3-4 टाइम पर डे, जिसमें चांस ऑफ इंफेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस को कंटिन्यूसली इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करते रहे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यानी रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो डे बाय डे आफ्टर सर्टन टाइम जो है उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से नॉन इफेक्टिव जो है वो प्रोसीजर रह जाएगा पेरिटोनियल डायलिसिस। होपफुली आपने यहां तक लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो इंशाल्लाह अज़ीज़ उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स यू वेरी मच।